किसान बिल को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब के किसानों को है। आज की बैठक के बाद पंजाब के किसान संगठनों के प्रमुख हरदीप सिंह से बात की हमारे सहयोगी ने। किसानों के बीच बातचीत खत्म हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद है पंजाब से किसान संगठनों के प्रमुख नेता हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, मुझे ये बताइए, दो बार की आपकी प्रमुख बातचीत यहाँ पर हो चुकी है सरकार के साथ, क्या कुछ निकला नतीजा? अभी तक ये निकला वो अमेंडमेंट पर आ गया। पहले तो कह रहे थे लॉ ही बिल्कुल ठीक है, यही लागू किए जाएंगे, अब कम से कम वो अमेंडमेंट पर आ चुके हैं। अब जो हमने गलतियाँ बताई, मामलों में सरकार अमेंडमेंट करने को तैयार है। 7-8 चीज़ें हैं जी, निकी निकी पॉइंट्स हैं जिसमें करनी चाहती है। एसडीएम की जैसे कोर्ट है, कोर्ट तक नहीं पहुँचना दिया था, मोड ऑफ पेमेंट का है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, एसेंशियल गुड्स का है, निकी निकी पॉइंट्स हैं जिसमें वो गलत थे। पर वो कह रहे हैं अभी अमेंडमेंट करने के लिए अगली बार बात करेंगे। हमने कहा नहीं, जब तक रिपेल नहीं होते जब तक कोई बात नहीं होगी, आंदोलन जब तक जारी रहेगा। को लेकर क्या बातचीत हुई एमएसपी? हमने कहा भी उसके लिए लग एक लॉ बनाया जाए भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे जो भी खरीदेगा उसकी सजा रखी जाए। जो 23 फसलों पर जिसमें एमएसपी होती है उसमें सिक्योरिटी प्रोक्योरमेंट हो फसलों की। तो आप मानते हैं कि आज की जो बैठक हुई है उससे काफी कुछ चीजें निकली हैं? हाँ, एक स्टेप आगे कह सकते हैं आप, एक स्टेप आगे। क्या माना जा सकता है कि 5 तारीख को नतीजा फाइनल हो जाएगा? ये ऐसे बात बताया नहीं जा सकता, सरकार की मर्जी होती है कैसे वो बात करते हैं। देखिए, कुल मिलाकर किसान जो है वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि आज की जो बैठक हुई है क्या उससे निकला तो काफी कुछ है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन क्या 5 तारीख को ये बैठक अंतिम होगी, ऐसा कहना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि मामले बहुत पेचीदा है, पॉइंट दर पॉइंट बातचीत हो रही है। लेकिन किसान इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार का माइंडसेट जो है पहले के मुकाबले अब बदला है, यानी कि सरकार इस मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।